हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजाता। एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप अनग्रुपिंग, डुप्लीकेटिंग, अलाइनमेंट, ऑर्डर और पावर क्लिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम ग्रुप करना, ये ऑब्जेक्ट को ग्रुप कैसे करते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमने इनको पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ अरेंज मेन्यू में जाकर ग्रुप कर दिया, या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल जी कर दीजिए तो अभी ये ग्रुप हो जाएगा। आपने भी ये मल्टीपल सिलेक्ट किया है माउस के बटन से ड्रैग करके। अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक एक को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर्सन नेम सिलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं कंपनी नेम भी सिलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ हम कंपनी नेम पर क्लिक करते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर दीजिए, ये दोनों ग्रुप हो गए। अगर अब हम जैसे इसको उठाते हैं, कहीं मूव कराते हैं, तो ये दोनों साथ में मूव होंगे क्योंकि हमने इसको ग्रुप कर दिया है। और ग्रुप करने के लिए अरेंज मेन्यू में जाकर ग्रुप करने से अच्छा है कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर दीजिए, इससे आपका वर्क स्पीड अप होगा। ग्रुप करने से यह फायदा होता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को, जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर कहीं मूव कराना है एक साथ, तो पहले हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, उसके बाद इसको मूव करा सकते हैं। ये तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होंगे। ये देखिए, अब आप इस पर कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, इस ऑब्जेक्ट में नीचे, ऊपर, बीच में, ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ही सिलेक्ट होंगे और एक साथ ही मूव करेंगे। अभी तो अपन ने ग्रुप किया, अब हम अनग्रुप करते हैं। तो अनग्रुप करने के लिए इन पूरों को एक बार सिलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाकर जहाँ ग्रुप लिखा हुआ था उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अनग्रुप, इसको अनग्रुप कर दीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल यू कर दीजिए। अगर आप कंट्रोल यू भी करेंगे तो भी अनग्रुप हो जाएगा। तो बार बार अरेंज मेन्यू में जाने से अच्छा है आप इस कमांड को याद रखिए, अनग्रुपिंग के लिए कंट्रोल यू और ग्रुप के लिए कंट्रोल जी, तो आपका वर्क और स्पीड अप हो जाएगा। अब हम जानेंगे डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट में अलग अलग तीन तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अभी ये अनग्रुप है, ये देखिए, अभी ये तीनों तीनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, अभी ये अनग्रुप है। अब हम चाहते हैं कि इसको ग्रुप करके डुप्लीकेट बनाना, मतलब ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं सेम टू सेम ऐसे ही डुप्लीकेट बने। तो पहले हम इसको ग्रुप करते हैं, पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी किया, ये ग्रुप हो गया। अब हमें इस पर डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट तीन तरीके से बना सकते हैं, पहला कंट्रोल डी करके, और दूसरा जो है कीबोर्ड में न्यूमेरिक की में जो प्लस का साइन होता है उसको एक बार प्रेस करने से डुप्लीकेट बन जाता है, और तीसरा है माउस का राइट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करके और लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए तो डुप्लीकेट बन जाता है। इन तीन तरीके से डुप्लीकेट बनता है और तीनों का अलग अलग यूज होता है, जहाँ जिसकी जरूरत पड़े वैसा यूज कीजिए तो आपका वर्क स्पीड अप हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको वर्क करना आएगा। तो हम सबसे पहले कंट्रोल डी करते हैं। देखिए, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करते हैं, ये देखिए, उसके थोड़ा ऊपर ये एक डुप्लीकेट बनकर आ गया। अब ये डुप्लीकेट जो आया हुआ है बनकर थोड़ा तिरछे में, इसकी जानकारी हमें यह प्रॉपर्टी बार में ये मिलती है। इसमें अभी दिया हुआ है 5 mm, मतलब 5 mm ये तिरछे में जाएगा तभी ये डुप्लीकेट बनेगा। अगर हम इस पर 0 सिलेक्ट कर देते हैं तो अब देखिए इसको, अभी हमने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया, ये देखिए अब तिरछे में नहीं आया डुप्लीकेट बनकर, अब आया है थोड़ा ऊपर, 5 mm ऊपर की साइड डुप्लीकेट बना है, क्योंकि अभी हमने ये देखिए ऊपर वाले में हमने 0 किया था, नीचे वाले में लेकिन 5 mm ही है, तो ये नीचे को भी अगर हम 0 कर देंगे तो बिल्कुल उसी के ऊपर बनकर आएगा डुप्लीकेट। देखिए, हमने इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया, बिल्कुल उसके ऊपर बनकर आ गया। अभी आपको ये मालूम नहीं चला कि ये डुप्लीकेट बना या नहीं, तो आप इसको पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए, ये देखिए डुप्लीकेट बन गया है। कंट्रोल डी का यूज इस तरीके से किया जाता है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिक की में जो प्लस का साइन है उससे डुप्लीकेट कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है। तो चलिए, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और न्यूमेरिक की में प्लस की को एक बार प्रेस करते हैं तो ये डुप्लीकेट बन गया। अब ये जो प्लस की से हम जब डुप्लीकेट बनाते हैं
तो वो ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर बनता है, ऑब्जेक्ट के बराबर और बिल्कुल उसके ऊपर बनता है, ना तो साइड में होता है ना लेफ्ट साइड होता है, बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऊपर ही बनता है। अब इसको देखेंगे कैसे, तो जो अपन ने बनाया हुआ है उस पर एक बार क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा डुप्लीकेट बन गया है। अब है तीसरा तरीका डुप्लीकेट बनाने का, वो है माउस से। तो माउस से डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन से नीचे की ओर ड्रैग किया, उसको दबाए रखना है, अभी छोड़ना नहीं है लेफ्ट बटन को। अब राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लस का साइन बनकर आ गया, और अब लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो ये डुप्लीकेट बन गया। फिर से देखिए, लेफ्ट बटन को दबाए हुए ड्रैग करेंगे जहां आपको डुप्लीकेट बनाना है, उसके बाद राइट बटन को क्लिक करेंगे तो माउस का पॉइंटर प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर लेफ्ट बटन को छोड़ देते हैं तो ये डुप्लीकेट बन गया। अब जब माउस से डुप्लीकेट बनाते हैं, अगर हम कंट्रोल की को भी प्रेस कर लेंगे तो जहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है उसके बिल्कुल सीधाई में ही डुप्लीकेट बनाएगा, उसकी सीधाई में आप जितनी दूरी पर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं वो उतनी डुप्लीकेट बनाएगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल की प्रेस की, और इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए देखिए हम इसको जितनी दूर ले जाएंगे लेकिन वो उसकी सीधाई में ही बनेगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और फिर राइट क्लिक करके लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए, ये देखिए हमारा डुप्लीकेट बन गया है। देखिए जिसका डुप्लीकेट बनाना है उसे लेफ्ट बटन से दबाए रखें, छोड़ना नहीं है, लेफ्ट बटन दबाए दबाए माउस वहां ले जाएं जहां डुप्लीकेट चाहते हैं। अब सबसे बड़ी उंगली से सिर्फ एक बार राइट बटन क्लिक कर दें, डुप्लीकेट बन जाएगा, और कीबोर्ड से कंट्रोल की साथ में दबाने से माउस बिल्कुल सीधा जाता है। अब हम जानेंगे अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट देखिए, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अभी ये ग्रुप है, हमने इसको अनग्रुप किया कंट्रोल यू से, तो ये अलग अलग हो गए, ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग सिलेक्ट होंगे यार, ठीक। अभी हम क्या चाहते हैं, हम एक बॉक्स और बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाया और एक छोटा सा रेक्टेंगल एक और बनाया, हमने इसमें किया येलो, इसमें किया रेड कलर, इसका और डुप्लीकेट बनाते हैं पिंक कलर किया। अब देखिए ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल है, हम चाहते हैं ये पिंक कलर का जो रेक्टेंगल है वो येलो कलर से हॉरिजॉन्टल सेंटर में हो जाए, हॉरिजॉन्टल सेंटर में। तो कैसे, देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना है पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, और जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ करना है उसको बाद में सिलेक्ट कीजिए। तो पहले हम पिंक वाले को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने शिफ्ट से येलो वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से ओनली सी की को प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया, येलो वाले रेक्टेंगल के सेंटर में आ गया पिंक वाला रेक्टेंगल, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर। अब बात आती है एक और सेंटर की, वो होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल सेंटर कैसे यूज होता है, देखिए जैसे कि ये पिंक वाला है रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट किया, येलो वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं कि ये जो पिंक वाला रेक्टेंगल है वो येलो वाले के वर्टिकल सेंटर में आ जाए। तो वर्टिकल सेंटर में आने के लिए कीबोर्ड से ओनली ई की को प्रेस करते हैं, ये देखिए प्रेस किया ये वर्टिकल सेंटर में आ गया, सी की को प्रेस करने से हॉरिजॉन्टल सेंटर और ई की को प्रेस करने से वर्टिकल सेंटर। अब हम चाहते हैं ये जो रेक्टेंगल है वो इस येलो वाले रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए अंदर, तो क्या करेंगे, पहले पिंक वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया फिर येलो वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी ई दोनों करेंगे, एक बार सी फिर ई, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साथ में सेंटर होगा, तो ये बिल्कुल जो जिस ऑब्जेक्ट के साथ अपन को हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल सेंटर बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये कीबोर्ड से सी ई करने पर। या तो आप पहले ई सी कर दीजिए या सी ई कर दीजिए, बात बराबर है। अब देखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में, हमने इसको सिलेक्ट किया पिंक वाले ऑब्जेक्ट को, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं ये लेफ्ट में हो जाए, तो लेफ्ट के लिए कीबोर्ड से ओनली एल की को प्रेस कर दीजिए, ये देखिए उसके लेफ्ट में हो गया। अब आती है बात राइट की, तो राइट के लिए कीबोर्ड से आर की को प्रेस कर दीजिए, ये राइट में हो गया। टॉप के लिए कीबोर्ड से टी की को प्रेस कर दीजिए, ये टॉप में हो जाएगा। अब बॉटम के लिए बी की को प्रेस कर दीजिए, ये बॉटम में हो गया। फिर सेंटर के लिए,
पेज सेंटर क्या होता है, ये जो हमारा पेज है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं अभी, ये होता है हमारा पेज। इसके सेंटर में आने के लिए कीबोर्ड से ओनली पी की को प्रेस कर दीजिए, ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। अभी देखिए ये दोनों सिलेक्ट हैं, हमने ओनली पी की को प्रेस किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया पेज के। ये देखिए हमारा ये पेज है, इसके बिल्कुल सेंटर में आ गए ये दोनों। तो ये होता है पेज सेंटर। अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर कैसे करते हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं हमारे पास, अब हम इनको ऑर्डर में करना चाहते हैं। ऑर्डर में करने के लिए जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है, छोटा वाला रेक्टेंगल, इसको अपन उठाते, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अरेंज में जाकर यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर पे देखेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, टू फ्रंट ऑफ पेज, टू बैक ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। तो इसमें हमें क्या करना है, इस वाले रेक्टेंगल को उठाकर येलो वाले के ऊपर रखना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाके ऑर्डर में जाकर ये लिखा हुआ है टू फ्रंट ऑफ बैक, या कीबोर्ड से कंट्रोल होम कर दीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल होम कर दीजिए, या मेन्यू में जाकर टू फ्रंट ऑफ पेस्ट कर दीजिए। तो ये येलो वाले के ऊपर आ गया, देखिए ये येलो वाले के ऊपर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो ग्रीन वाला है वो सबसे ऊपर आ जाए, सबसे ऊपर कहने का मतलब ये जो ब्लू वाला है इसके भी ऊपर आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा, इसको सिलेक्ट किया पहले, अरेंज में गए, ऑर्डर में गए, इन फ्रंट ऑफ कर देंगे। इन फ्रंट ऑफ करने से क्या होगा, आपको ब्लू के ऊपर चाहिए तो ब्लू पर क्लिक कर दीजिए, ये रेड वाले रेक्टेंगल के ऊपर चाहिए तो रेड वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये स्काई ब्लू कलर रेक्टेंगल के ऊपर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन अभी हमें ब्लू वाले के ऊपर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लू वाले पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया इसके ऊपर। अब आती है बात ये ब्लू वाले रेक्टेंगल की, इसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर में गए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक वन, अगर हम बैक वन करते हैं तो सिर्फ एक बैक जाएगा पीछे की तरफ। देखिए कैसे, बैक वन कर दीजिए या कंट्रोल पेज डाउन कर दीजिए। तो हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए बिल्कुल एक बार पीछे किया, एक बार पीछे का मतलब ये जो ग्रीन वाला है वो ऊपर आ गया और इसके पीछे ये ब्लू वाला चला गया। ये होता है ऑर्डरिंग। तो आपने जाना कि ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, एक लेयर कैसे ऊपर आते हैं, बैक कैसे जाते हैं। अब बात आती है पावर क्लिप की। तो पावर क्लिप को देखिए, ये हमारे पास एक कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सर्कल, कुछ सर्कल बना दिए हमने, ये देखिए ये सर्कल बना है। अब हम ये क्या है, ये जो सर्कल बने हुए हैं हम चाहते हैं कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है सिर्फ इसी में देखें इतना ही हिस्सा, और ये जो बाहर निकल रहा है जो सर्कल का हिस्सा वो गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें पावर क्लिप करना होता है। वो कैसे करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को अपन को पावर क्लिप करना है पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में, इफेक्ट मेन्यू में जाकर नीचे लिखा हुआ है पावर क्लिप, पावर क्लिप में एक ऑप्शन आता है प्लेस इनसाइड फ्रेम, इसको क्लिक करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप करना है उस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये पावर क्लिप हो गया। इस रेक्टेंगल के ऊपर जितना भी सर्कल दिख रहा था वो तो दिखेगा, और जो रेक्टेंगल के बाहर था वो सारा एरिया गायब हो गया। अब हमें देखिए ये अंदर चला गया, अब हम क्लिक करते हैं अगर तो हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट होता है, सर्कल सिलेक्ट नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार कंट्रोल की को प्रेस कर लीजिए और जो भी अपन ने बनाया हुआ है पावर क्लिप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हम अंदर आ गए पावर क्लिप पे, ठीक। अब आप यहाँ से इसका साइज भी मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें, आउटलाइन भी इसकी नन कर सकते हैं या आउटलाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। अब बाहर आने के लिए क्या करना होगा, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वहां क्लिक नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए। तो देखिए अपन पावर क्लिप से बाहर आ गए, ये ऐसे होता है हमारा पावर क्लिप। देखिए जैसे कि ये दो सर्कल और हैं, हम इनको सिलेक्ट करते हैं और इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड फ्रेम करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये भी पावर क्लिप हो गया। अब हमें इसके अंदर जाना है तो कीबोर्ड को प्रेस कीजिए और एक बार क्लिक कीजिए, ये हम पावर क्लिप के अंदर आ गए। अब हम इसमें भी कलर डाल सकते हैं, इनकी आउटलाइन भी नन कर सकते हैं, ये देखिए। अब हमें रेड वाला सर्कल जो है वो येलो वाले से ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बार इसको सिलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाते हैं, ऑर्डर में जाने के बाद
ये लिखा हुआ है टू फ्रंट ऑफ लेयर या कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा रेड वाला सर्किल ऊपर आ गया। अब हमें इस पावर क्लिप से बाहर निकलना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उन सब के बाहर क्लिक करना है कंट्रोल की को प्रेस करते हुए। तो ये देखिए हम पावर क्लिप से बाहर आ गए। तो आज आपने जाना ग्रुप अनग्रुप कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर में कैसे लगाते हैं और पावर क्लिप के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।